ठीक है? ठीक है तो फिर मैं उसको जेल से छुड़ा दूंगा, वरना वो सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? मलार माफीनामा कैसे लिख कर दे सकता है? मैं मलार को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी भी माफीनामा लिखकर नहीं देगा। जलती हुई आग पर तेल नहीं छिड़कती, शोला बनकर जला देती है। कभी आपका फोटो बना? मेरा नहीं, मैं फोटो का क्या करूँ? अपने घर वालों को भेज देना, माशाल्लाह इन कपड़ों में बड़ी अच्छी लग रही हूँ। इतनी ठाट बाट देखकर हो सकता है आपकी कोई और सहेली किसी और अमीर आदमी को फांस ले। मामा, अंकल को मैंने दावत पे बुलाया था, तुम कौन होती हो मेरे घर में लोगों को दावत देने वाली? क्या तुमने मुझसे पूछा था फिर ऐसे शख्स को जो कल तुम्हें भी अपने दामी उल्फत में फंस सकता है? आइंदा अलीना से मिलने से एहतियात करना। क्यों? क्यों? हाँ जाफर खान, तुम भी सही कह रहे हो, लेकिन एक बात मैं आपको जाफर खान एक और बताऊं, ये जो सियासी ताकत है ना, ये भी बंदे के दिमाग में हवा भर देती है। बहराम खान, अगर आजम शाह के पास सियासी ताकत है तो जाफर खान के पास दिल की ताकत है। मैं जरा उनका लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे बड़े उनके बड़ों के मुरीद हुआ करते थे। मेरा मेरे खुदा में पूरा यकीन है, अगर मेरी जिंदगी है तो मुझे कोई नहीं मार सकता, और अगर मेरी जिंदगी नहीं है तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। सर, खुदा करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए, ऐसी बातें जबान से मत निकाल लें, बस आप मुझे जेल पर वापस भेज दें। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचे, बस अब बहुत हो गया, आप मुझे वापस भिजवा दें। हम जानते हैं ऐसा नहीं। आज से पहले तो कभी आपको अनवर और कायनात का इतना ख्याल नहीं आया, फिर ये अचानक कहीं बाबा साईं से मिलने का बहाना तो नहीं है ये? नहीं नहीं, मैं उससे क्यों मिलने जाऊंगी, फिर वो मचरन भी तो उसके साथ होगी ना। उसका ख्याल तो आप जैसे निकाल रहे, दो दिनों की मेहमान है बस। ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, बस किसी तरह जन्नत से बड़ी साईं का पीछा छोड़ा। लेकिन चाची वो फिर जाएगी कहाँ? अगर उसे वापस झील पे भेज दिया गया तो उसे दोबारा अगवा कर लेंगे या फिर उसे काली करके मार देंगे। वो कुछ भी करे, हमारा उससे क्या? क्या हमने सारी दुनिया की लड़कियों का ठेका उठा रखा है? हम आपको मालूम है कि खामखा इसने कुछ ना कुछ तो बोलना होता है ना, बोले दिया करें इसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। हाँ बहन, बोलो क्या बात है?
अगर मल्हार के लिए कुछ करो तुम उसके दोस्त हो, अगर तुम भी नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं क्या कर सकता हूँ, ना मेरे पास पैसे हैं, ना कोई बड़ी सिफारिश, मेरे पीछे तो खुद पुलिस लगी हुई है। अगर अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो किसी और से कहो, जितने पैसे जरूरत में होंगे मैं अपने गहने बेच कर दूंगी। ये बाप की बात है, पहले कोई ऐसा बंदा तो मिले जो पुलिस से बात करे, यहाँ तो सब डरे हुए हैं, कोई पुलिस से, कोई ठेकेदार बयान खान से। ठीक है अदा, तुम फिर भी कोशिश तो करो। मैं चाची हाजरा के पास जा रही हूँ, बहुत परेशान थी। जिन्नत, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे दूर चली गई हो, फिर भी दिल को यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हारे कहकों की गूंज, तुम्हारी बातें, मेरे बालों में उंगलियां फेरती महसूस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया बेटा? चाची पानी में नमक है। जिन्नत, वैसे तो बड़ी चुप चुप रहते, मल्हार को देखकर पता नहीं तुझे क्या शरारती सोचती रहती है। अम्मा वो मेरे हाथ में नमक लगा हुआ था ना, मैं क्या करती? चाची मैं कभी से इतना मारूंगा ना, याद करेगी ये। हाँ बेटा, लगाना से दो चार थप्पड़, होश ठिकाने आ जाएंगे इससे। अम्मा तू भी ना बस, हमारा एक ही तो रिश्तेदार है, और हमारा है ही कौन इसके अलावा, इससे भी मजाक ना करो। अच्छा ठीक है बेटा, जाके दूसरा पानी पिला दो। हाँ अब चीनी वाला पानी पिलाती हूँ। तुम्हारी इन बातों के अलावा मेरी जिंदगी में राह ही क्या है? सीधे घर आया करो, लेकिन तुम उस लड़के के साथ बाजारों में घूमती हो, जिनके बड़े तुम्हारे सामने बैठने के लायक नहीं थे। बाबा से अयाज अपने बड़ों से मुख्तलिफ है, इसलिए मुख्तलिफ है कि जुबान जागी बेटी उसके साथ घूमती है। ठीक है, देख लेता हूं, जाता हूं मैं कल हवेली, करता हूं मैं बंदोबस्त अलवर का भी और तुम्हारा भी। सादगी और ढील की वजह से तुम लोगों के दिमाग खराब हो गए। इस सामने घर है, बस ख्याल करना पीर साहब को पता न चले और उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। ये कहने की क्या जरूरत है, मुझे मालूम है सिर्फ लड़की को उठाना, मगर उसमें भी ख्याल रहे, पीर साईं की लड़की कायनात तो कुछ ना हो। हाँ वरना साईं आजम शाह हमको नहीं छोड़ेगा। फिक्र नहीं करो, सब हो जाएगा, अब यहाँ से चलो। No!
देने वाली टीम थी। बस जो अल्लाह की मर्जी, हम सबको अल्लाह के पास जाना है सही, आज नहीं तो कल सबको जाना है उसी के पास जो लगा रखी। हमारे मुर्शिद साई शहीद हुए हैं और बाबा शहीदों का गम नहीं किया जाता है, वो जिंदा है। ऐसे जालिमों ने बड़ा जुल्म किया है, बचेंगे वो भी नहीं। समझो कि हमारा काम हो गया। कहाँ हुआ है हमारा काम यार, तू चोरी की वजह से तो तीनों ख्वार हो रहे। समझो कि ये ख्वारी आज खत्म। क्या कह रहे हो, आगे बताओ भी भला। हाँ जन्नत कहाँ है? समझो कि आज हम जन्नत तक पहुँच गए। पीर सुभान शाह को किसी ने तलती कर दिया है। क्या क्या हुआ पीर सुभान शाह को? ये देखे अखबार में खबर छपी है कि पीर सुभान शाह को सुबह गाड़ी में जाते हुए किसी ने हलाक कर दिया। अरे वाह वाह, इसका मतलब है हमारा काम किसी और ने कर दिया। बिल्कुल। अच्छा सुनो, हाँ ये बात बहराम खान को बतानी है कि ये काम हमने किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। बैठो गाड़ी मार। आपका क्या ख्याल है, इस वारदात में कौन लोग मुलव्वस हो सकते हैं? थाना चला रहे हैं आप लोग, और आपको ये नहीं मालूम कि इस वारदात में किसका हाथ हो सकता है। सही, हमारी मालूमात के मुताबिक पीर साई के कत्ल में बहराम खान और उसके लोग मुलव्वस हैं। बाबा आप समझते हैं कि एक मामूली ठेकेदार बगैर किसी की सपोर्ट या मदद के इतनी बड़ी वारदात करवा सकता है? सही, मैं समझता हूँ बहराम खान खुद जाती दुश्मनी की बिना पर इस वारदात में मुलव्वस है। बाबा या तो आपकी मालूमात अधूरी है या फिर आप जानबूझकर जाफर खान को बचाना चाह रहे हैं। सही, मैं समझता हूँ जाफर खान इस वारदात में मुलव्वस नहीं है। आप ये बात किस बुनियाद पर कह रहे हैं? बाबा साईं के कत्ल की वारदात में जो हथियार इस्तेमाल हुए और जो बंदे थे वो जाफर खान के ही तो थे। जाफर खान इस इलाके का मुअज्जिज़ और बासर शख्स है, हम बगैर किसी सबूत के कैसे उस पर आड़ डाल सकते हैं? ठीक है बाबा, जा सकते हैं आप। और रही बात बाबा साईं के कातलों की, तो उनसे हम खुद ही निपट लेंगे। फिर साईं, आप एक मुअज्जिज़ पार्लियामेंटेरियन और जिम्मेदार शख्स हैं, मुझे उम्मीद है आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे। रह गए बहराम खान और उसके साथी, उनके पीछे मैं अभी पुलिस पार्टी भेजता हूँ। ठीक है बाबा, देखते हैं। इजाजत। ओके फिर साहब, चलता हूँ फिर, खुदा हाफिज। कैसे नहीं खुश होऊंगा, पीर सुभान को मंजर आप से हटाकर तुम लोगों ने मेरा सर ऊंचा कर दिया है। अब तो जन्नत से शादी करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वैसे बता रहे, ये काम बहुत मुश्किल था, जान जोखिम में डालकर ये काम किया। बाबा ये जो तुम लोगों ने काम किया है ना, ये तो कोई भाई भाई के लिए भी नहीं कर सकता। बता रहा, वैसे बता रहे, इस काम की मिठाई क्या होगी? अरे बाबा हुक्म करो, जो हाल है हाजिर है। साईं मुझे तो बोस्की का जोड़ा चाहिए। अरे बोस्की का जोड़ा तो मैं तुम सब लोगों को अपनी शादी पे पहनाऊंगा, कुछ और मांगो। वैसे बता रहे, शादी पर तो हम कुछ और मांगने वाले थे। जैसे तुम्हारी मर्जी, अब ये तुम पर है।
कैसे मिठाई खिलाओगे? अब ऐसा करते हैं कि मैं तुम लोगों को पैसे दे देता हूँ, फिर तुम्हारी मर्जी अपनी शहर से जाकर जो जी चाहे खरीद लो। साईं 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 पुलिस इधर आ रही है। पुलिस आ रही है? कहाँ से आ रही है? साईं मैंने जेल वाले बंद पर देखे कि वो पुलिस इधर ही आ रही है। ऐसा करो भागो वरना सब धरे जाएंगे। आ जाओ चलो भाई आ जाओ। गाड़ी खराब हो गई है, ये अपने चलेगी भाई। आप तो जल्दी भागो पुलिस और ना आ जाएगी। यही खराब होना। बड़ी विलायत वाला था, खुदा ने उसे शहादत का रुतबा देना था। मुझे अकेला क्यों छोड़ गया? एक गोली मुझे भी मार देते। पीर साई के बगैर मैं जीकर क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं अम्मा? बेटी अपनी किस्मत कौन क्या कह सकता है। मुझ पर नसीब की ऐसी किस्मत क्यों है? तूने मुझे पैदा ही क्यों किया? पैदा उसे मार क्यों नहीं दिया? कौन सी माँ अपने जिगर के टुकड़े को मार देगी? मुझे क्या पता कि तुम इतने अजाब से है कि ऐसे वैसे अजाब। मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरे बहुत गुस्सा है। हर घड़ी हर लम्हे मुझे नफरत की निगाह से देखा गया। बहुत बातें सुनी है मैंने, बहुत बातें। बस पीर साई के दिलासों पर नंद होती। बाबा गुलाम हुसैन, मैं जब कराची जाऊंगा तो काम करवा दूंगा। बस अपने बेटे को कहो कि एक अर्जी लिखकर मुझे दे दे, ठीक है? ठीक है सर। बहुत देना था। मुझे अकेला क्यों छोड़ गया? एक गोली मुझे भी मार देते। पीर साई के बगैर मैं जीकर क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं अम्मा? बेटी अपनी किस्मत कौन क्या कह सकता है। मुझ पर नसीब की ऐसी किस्मत क्यों है? तूने मुझे पैदा ही क्यों दिया? पैदा उसे मार क्यों नहीं दिया? कौन सी माँ अपने जिगर के टुकड़े को मार देगी? मुझे क्या पता कि तुम इतने अजाब से है कि ऐसे वैसे अजाब। मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरे बहुत गुस्सा है। हर घड़ी हर लम्हे मुझे नफरत की निगाह से देखा गया। बहुत बातें सुनी है मैंने, बहुत बातें। बस
पीर साई के दिलासों पर बाबा गुलाम हुसैन, मैं जब कराची जाऊंगा तो काम करवा दूंगा। बस अपने बेटे को कहो कि एक अर्जी लिखकर मुझे दे दे, ठीक है? ठीक है सर। बहुत एक बात, इजाजत दे, तुझे इजाजत दे दूं कि तू हवेली जाकर उस भागी हुई मनहूस लड़की से मिले जिसने मेरे बाबा को मरवा दिया। चल निकल जा यहां से, इज्जत पूरी हो जाएगी तो भिजवा दूंगा तेरे पास। एक बात मैंने कहा ना, चला जा। फैसू जी, मुझे सही निकालो इसे बाहर यहां से, और आईना यह अवतार के पास रदना है मुझे। जो हुक्म मुझसे सही। चलो बाबा, चलो चलो। भाभी आपसे एक बात करनी है। कहो क्या बात है? आप किसी तरह अम्मा को समझाएं कि वो जन्नत की इस तरह बेइज्जती ना करे, और उसे रहने के लिए कैसी जगह दी है। आखिर वो बाबा सिंह की बीवी थी। कायनात, आखिर वो बड़ी हैं, मैं उन्हें क्या कह सकती हूँ, और ऐसी हालत में उनका कोई कसूर नहीं है। वो तो ठीक है, मगर ये गांव की औरतें अपने अपने घरों में जाकर बातें करेंगी, और ये बातें हमारे दुश्मनों की जबानों तक पहुंच जाएंगी। बड़ी बदनामी होगी हमारी। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि खुद किसी वक्त उनको समझा दो। नहीं भाभी, वो कहाँ मेरी बात समझेंगे। वो तो पहले ही मेरे कराची में रहने की वजह से मुझसे नाराज हैं। वो तो बाबा सिंह की वजह से कुछ ज्यादा बोल नहीं पाती थी। फिर तो मेरी बहन, हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने घर पे बुलाया था, आपने उनकी तौहीन करके अच्छा नहीं किया। बेटा मैं एक दसी भी औरत हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी किसी से बोले की नजर हो जाए। मामा, डैडी के गुनाहों की सजा दूसरों को क्यों देती फिर रही है? क्योंकि सांप सभी एक जैसे होते हैं। मामा आप ये बात कहके उस गुजरे हुए आदमी के साथ एक और ज्यादती कर रहे हैं। अगर वो इतना ही अच्छा था तो फिर उसकी बदनसीबी है कि वो उस क्लास में पैदा हुआ जहाँ उसको नहीं होना चाहिए। मामा आपका भी कसूर नहीं, डैडी की दूरी और बेवफाई ने आपको नफसियाती मरीज बना दिया। ना तो मैं नफसियाती मरीज हूँ, और ना मुझे हमारे डैडी की बेवफाई का कोई अफसोस है, क्योंकि एक तरफा फैसले का यही नतीजा होता है। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? इसलिए कि मैंने तुम्हारे लिए बनवास काटा है, कांटों पे चलकर अपने पांव चलने के लिए। मेरी सारी जिंदगी का हासिल तुम ही हो। मैं नहीं चाहती कि जो आग की खाई मैंने अबूर की है वो तुम्हारे हिस्से में भी आए। अगर माँ यही बातें करके अपनी बेटियों को अपनी सोच के पिंजरों में कैद कर देती। खुदा के लिए मामा, मुझे अपनी मर्जी से जीने दे, मुझे अपनी मर्जी से उड़ने दे। घर तो छोड़ देते हैं मगर उड़ नहीं पाते, पंखे के जानवरों का शिकार हो जाते हैं। मामा मैं कोई ऐसे भूत की बच्ची भी नहीं। बेटी मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए ही सोचती हूँ। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ, ना ही आप लोग बाबा के जन्नत को अवेली से निकालते और न ही हादसा पेशा। नहीं, ये सब उस पूछे की वजह से हुआ है, पता नहीं कहां से वो बाबा साहब के गले पर गई। अदा सिंह, जन्नत का भी क्या कसूर था? उसने तो उन लोगों से बचने के लिए बाबा सिंह की अपना ली थी जिन लोगों के हाथ उसके बाप ने उसे बेच दिया था।
बाद में हम लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मजबूरन बाबा साहब को उससे शादी करनी पड़ी। कोई हालात वालात नहीं थे, इतने बड़े मालदान पीर को फांसने के लिए जन्नत और उसकी माँ की ये चाल थी। वो फकीर था, उन दाइयों की ये चाल समझ ना सका। मैं तो कहती हूँ दोनों माँ बेटियों को लाते मार कर हवेली से बाहर निकालो। चाची कुछ तो ख्याल करें, अभी उसकी अदब के दिन पूरे नहीं हुए, वो किस तरह हवेली से बाहर जा सकती है। तो वैसे अदा सही कातिलों का कुछ पता चला? कातिलों का क्या पता लगना है, वो किसी से कह के चुपे तो नहीं। वैसे अदा साई, बाबा साहेब के मर्डर से कुछ रोज पहले यही लोग बंगले में घुसाए थे और जन्नत का पूछ रहे थे। फिर वो तो अच्छा हुआ कि बाबा साहेब कायनात फिरते नहीं थे। मैंने बताया कि जन्नत शहर गई है बाबा साहेब के साथ और ये मेरी बहन कायनात है। तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी अदा साई? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मेरा मतलब था कि वो बैराम खान के बंदे थे, अगर उस रोज जन्नत उन्हें मिल जाती तो कम अज कम बाबा साहेब की जान बच जाती। बाबा साहेब इसी वजह से वापस हमें नहीं आ रहे थे? पता नहीं, ये तो बाबा साहेब ने हमें नहीं बताया। तुम्हें कुछ पता है कायनात? नहीं अदा साहेब, बाबा साहेब अचानक निकल आए, किसी से कुछ कहा भी नहीं। शायद जन्नत कुछ जानती हो। नहीं, उसकी माँ बता रही थी कि कोई मछलियों का ठेकेदार है जो जन्नत की शादी की वजह से चाचा साहेब का दुश्मन हो गया था। शायद वो लोग उसी के और इसी वजह से चाचा साईं वापस ही नहीं ले आ रहे थे। नहीं 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 नहीं, बाबा साईं किसी से करने वाले नहीं थे। किसका इंतजार कर रहे हो मल्हार? अब यहां कोई नहीं आएगा, बैठ जाओ। किसी ने नहीं आना था, जिसे आना चाहिए था इसके लिए दिल तड़प रहा था कभी नहीं आ सकता। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि बैराम साहब मिला कि नहीं? भाग गया, लेकिन कब तक भागेगा, एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। आप लोगों के कानून का जाल कमजोर पड़ गया है, छोटी मछली फंस जाए तो फंसती ही जाती है और अगर बड़ी मछली फंस जाए तो जाल तोड़ के भाग जाती है। कौन सी बड़ी मछलियां? अब देखो ना, जिसके कहने पर तुम लोगों ने मुझे बंद किया हुआ है वो खुद कानून का मुजरिम है, कातिल है और वो भी इतने बड़े पीर का, लेकिन फिर भी तुम लोगों के हाथ नहीं आया। कब तक नहीं फंसेगी बड़ी मछली, अब चुप करके बैठ जाओ। अम्मा मल्हार क्यों नहीं आया? अम्मा कैसे आता, उसके बस में होता तो आता। क्यों, क्या हुआ है मल्हार को, वो खुश तो है? बेटी पता नहीं खुश है भी कि नहीं, जालिमों ने उसके साथ जुल्म बढ़ा दिया। अम्मा तू बताती क्यों नहीं, आखिर बात क्या है? बेटी वो ठेकेदार के लोगों से लड़ पड़ा था, उन लोगों ने उठा के उससे जेल में बंद कर दिया। एक महीने से बंद पड़ा है। एक महीने से अंदर बंद पड़ा है और अब्बा ने उसे छुड़वाने की कोशिश नहीं की? कैसे करता, बैराम खान के पास जाके बड़ी मेहनत की मगर उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब तक मल्हार माफीनामा लिखकर नहीं देगा वो बंद ही रहेगा। बैठो बैठो, कुछ पूछना था तुमसे। ये बाबा साईं तो कराची कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गए थे ना, फिर अचानक वापसी का इरादा कैसे कर लिया उन्होंने? अतरी साईं, शायद अनवर साईं और कायनात के रिश्ते की बात पक्की करना चाह रहे थे। यूं अचानक सिर्फ इसलिए आ रहे थे? साईं हाँ कहो, क्या बात है? वो मेरा चचा साहब भाई है मल्हार, बैराम खान ने पुलिस से कहकर उसे थाने में बंद करवा दिया है, अगर हो सके तो आप उसे छुड़वा देंगे? अच्छा देखता हूँ सुबह।
भाई तुम अभी तक इधर ही हो, गई नहीं? खुर्शीद साईं, जन्नत अकेली कैसे रहेगी? बाबा ये हवेली है, कोई चोर डाकू उठा के नहीं ले जाएगा उसे। सुबह चली जाना और मुझे यहाँ दिखाई मत देना। तुम इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी तो भिजवा दूंगा तुम्हारे पास, बाकी की सारी जिंदगी देखती रहना इसे। अच्छा मुर्शिद, मैं कल सुबह चली जाऊंगी। पीर आजम शाह को, वरना कल तुझे चालान होकर जेल जाना था। बेटा हीना, तुम कॉलेज के किस साल में हो? डैडी अभी फाइनल ईयर में। अच्छा बेटा, ऐसा करो कि कल से तुम कॉलेज वाले छोड़ दो। क्यों डैडी? इसलिए कि कुछ 10-15 दिन में हमें वापस जाना है, यहां से हम शिफ्ट हो गए। डैडी मैं नहीं जाऊंगी। डैडी मैं अपनी तालीम यही रहकर मुकम्मल करना चाहती हूँ। बेटा पहले मुकम्मल कर, तुम्हें क्या करना है? कोई नौकरी भी करनी है? डैडी तालीम सिर्फ नौकरी करने के लिए तो नहीं हासिल की जाती। तो फिर किस लिए? तालीम तुम्हारी माँ ने भी हासिल की थी, क्या कर लिया इन्होंने? तालीम, ये तालीम ही तो है जिसने मुझे तुम्हारे हर जुल्म हर जाति को सबर से बर्दाश्त करना सिखाया। क्या जुल्म किया मैंने तुम्हारे ऊपर? हर किसी को खुशी तो दी है, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, और क्या चाहती हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ बंगला गाड़ी पैसों के लिए शादी नहीं की थी, और ना ही ये सब चीजें मेरी कभी आइडियल रही है। ओहो इमाना बेगम, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका, मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी। कौन सी मजबूरी? वही खानदानी बेगम। ओहो तुम तो हर वक्त मेरा दिमाग खराब कर देती, मेरी पोजिशन को समझने की कोशिश करो। झूठ मत बोलो फारूक। रही बात अलीना की, तो इसे तालीम मुकम्मल करने दो। बाप की शफकत नहीं मिली, कम से कम डिग्री तो मिल जाएगी। ठीक है मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, इस वक्त छोड़ो इस गुस्से को। जरा सा पीर साईं का सहारा मिला और वो भी रब साईं ने छीन लिया। बस कर हाजरा, अगर मैंने जबान खोली ना तो फिर तू चीखने लगेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ? अरे तू अपनी गिरेबान में क्यों नहीं झांकता? घर की हर चीज बेचने के बाद तूने पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दिया। अरे तुझे खुदा का खौफ भी नहीं हुआ? चाची जो हुआ सो हुआ, अब इसे याद करने से क्या फायदा? बेटा मेरा तो कलेजा कट रहा, बाप होकर इसने मेरी फूलों जैसी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे वो तो तुझे बेटा बनकर कमाकर खिलाती थी, फिर तूने इसके साथ ऐसा क्यों किया? जबान मत चला ज्यादा जबान। अगर ज्यादा जबान चलाई ना तो मैं तुम्हारी भी बोली लगा दूंगा। हाँ हाँ लगा दे मेरी बोली, मैं भी तो देखो मेरे बेचने और लेने वाला कौन है। चाची अब तू ही सब्र कर ले, यूँ लड़ने झगड़ने से क्या फायदा? जन्नत अपनी इद्दत पूरी करके आएगी और तुम दोनों को यूँ लड़ता झगड़ता देखेगी तो क्या सोचेगी वो? मेरा तो सोच के ये दिल दुभा जा रहा कि मेरे महलों में रहने वाली और मोटरों में घूमने वाली बेटी फिर इसके लिए मछलियाँ पकड़ने आ रही। अरे अल्लाह ताला दोबारा जन्नत को मेरी मदद के लिए भेज रहा है तो तू क्यों जल भुन रही है? तुझे मैं ब्याह कर लाया था, कोई उठा कर नहीं लाया था। तू क्या उठाएगा किसी को? तुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि झील से मछलियाँ पकड़ सके। औरत को उठाएगा तू? क्यों कह रही हो तुम?
जबान बंद कर वरना मेरे हाथ को मारी जाएगी तू। चाचा मारी जाएगी। चाचा छोड़ दे हाथ, मैं इसको देख लूंगा। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। खान, पता नहीं तुमने उस लड़की में क्या देखा था, सबको जलील करा दिया। कमला, तुम मेरे मुलाजिम नहीं, दोस्त भी हो। अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाराम खान, मेरा मकसद ये नहीं था। जरा सोचो, इतनी सी बात है, कितनी बात पड़ गई है। ये इतनी सी बात नहीं थी, मेरी इज्जत और गैरत का मामला था। अरे सर, तुम अपनी जगह सही हो। मर्द जर और जमीन के लिए मर मिटता है, लेकिन अब कुछ करो। यहाँ तो बैठे बैठे हमें बदबू हो जाएगी। अरे तुमको क्यों फिक्र लगी है, क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन जरा ठहरो, मामले को थोड़ा ठंडा होने दो। बराम खान, मुझे तो अब अपने बीवी और बच्चों की फिक्र होने लगी है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। अरे पागल, तेरे को अपने बीवी बच्चे इतने अजीज थे, फिर हमसे दोस्ती क्यों की थी? तुझे पता नहीं हमारा सर हथेली पे होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर तेरे ये बच्चे अब बाबा करते, तेरे पीछे रोते फिरेंगे। यार तुम तो सदा अपनी सुनाते हो बस। बस खामोश हो जाओ, नहीं लड़ो आपस में। अच्छा बात सुनो, तुमको अगर जाना है तो जाओ। बातें करता है। जन्नत, तुम यहाँ अकेली कैसे रहती हो? अपनी अम्मा को भी साथ रखा होता ना। तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली काफी होती है, दो गंदी मछलियों की क्या जरूरत है? जन्नत, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन दुख की बात यह है कि अदा सही और अम्मा तुम्हें समझ नहीं सके। बड़ी चीजें की मैं शौकन हूँ, उनकी नाराजगी समझ में आती है, लेकिन छोटे साई वो अच्छा नहीं करते। आखिरकार रिश्ते में तो मैं उनकी माँ हूं ना। अदा सही की कमजोरी कहीं या फितरत, वो हर शख्स को हसब नसब की ऐनक लगा के देखता है और उसी ऐनक से उसे हर इंसान अपने से कमतर नजर आता है। बड़ा साई तो ऐसा नहीं था। दुख की बात यह है कि हम सब उन्हें समझ नहीं पाए, उनकी फकीरी को अयारी समझ बैठे थे। बड़ी ज्यादतियां की है हमने बाबा साईं से, खुदा माफ करेगा। मैं तो इस पर शर्मिंदा हूं कि मैंने भी उनको दुख दिए तुम्हारी वजह से। वो तो अब नहीं रहे, लेकिन मैं तुमसे माफी मांग रही हूं। हे कायनात, तुम क्यों माफी मांग रही? तुम्हारी जगह कोई भी होता वो ऐसा ही करता। फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे कायनात बेबी, आप दिल पर मत लें, मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं। अब दुख करके करूंगी भी क्या, मेरा दुख दर्द सुनने वाला देखने वाला ही नहीं रहा। किसको दिखाऊंगी, किसको सुनाऊंगी? जिन्नत, जिन्नत सबर करो, सबर करो।